जय हिंद गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम टू दफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ सफलता क्लास सफलता डिफेंस एज वेल चैनल पे जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो शेयर कर दो क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है एवरी वन कम लाइव एंड विल बी स्टार्टिंग विद दटिंग जी के मॉक टेस्ट अगेन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एस एस सी जी डी एज वेल एज फॉर डिफेंस एग्जामिनेशन ठीक है कैंडिडेट्स जल्दी जल्दी लाइव जुड़ जाओ एंड विल बी स्टार्टिंग आई डो नॉट वॉन्ट कि आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो फिर मिस हो जल्दी जल्दी एवरी वन स्टार्ट जॉइनिंग जितने भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइबर्स सब्सक्राइब कर दो चैनल को सो दैट दे कैन ऑल्सो टेक बेनिफिट फ्रॉम दिस जल्दी जल्दी सब के सब लाइव आ जाओ एवरी गुड मॉर्निंग जय हिंद एवरी अनुज चाह दुबे गुड मॉर्निंग जय हिंद जल्दी जल्दी लिंक को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप्स में डिफरेंट ग्रुप्स में और सबको बोल दो क्लास स्टार्ट हो चुकी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है आज भी हम स्टार्टिंग जीके के जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप आवाज़ आ रही है मेरी जस्ट अ सेकेंड गुड मॉर्निंग अनुज एम आई ऑडिबल मेरी आवाज़ आप सब तक पहुंच रही है एक बार प्लीज़ कमेंट करके बताइए मेरी आवाज़ आपको आ रही है या नहीं आ रही है एक बार अपना वॉल्यूम बटन फुल कर दो इट माइट बी द इशू क्योंकि माइक तो यहां से क्लियर है ठीक है जय हिंद गुड मॉर्निंग जल्दी जल्दी लिंक को शेयर कर दो ठीक है भाई स्टार्ट करेंगे हम मॉक टेस्ट के साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जितने भी हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि एसएससी का जीडी का एग्ज़ाम है चाहे आपका सीपीओ है या फिर सीजीएल है इवन फॉर योर डिफेंस एग्जामिनेशन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये आवाज जस्ट अ सेकेंड जस्ट अ सेकेंड अब बताइए अब मेरी आवाज क्लियर है आप सबको अब क्लियर है सबको मेरी आवाज जल्दी जल्दी लिंक को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ टेल एवरीवन। क्लास जो है स्टार्ट हो चुकी है विल बी स्टार्टिंग विद दी मॉक टेस्ट लेट्स वट इज़ दी फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का वो आपके सामने है आपको बताना है कि भाई इनमें से वट इज़ दाइंटिफिक नेम ऑफ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया यू हैव टू टेल वट इज़ दाइंटिफिक नेम ऑफ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया पहले तो आप बताइए कि इंडिया का जो नेशनल बर्ड है वो इनमें से कौन सा इंडिया का नेशनल बर्ड देन यू हैव टू टेल उसका साइंटिफिक नेम क्या है ऑप्शंस आपके सामने है फेसियनिडे पैवो क्रिस्टेस्टस कैपरसिले या फिर गिनी फाउल्स वट इज साइंटिफिक नेम साइंटिफिक नेम बताना है आपको इंडिया के नेशनल बर्ड का इंडिया का जो नेशनल बर्ड है व्हाट इज साइंटिफिक नेम ऑफ इंडिया नेशनल बर्ड जल्दी जल्दी कमेंट करके सबके सब जितने भी कैंडिडेट्स हैं रिप्लाई करके बताएंगे कि व्हाट इज दी साइंटिफिक नेम ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ इंडिया सबको पता होना चाहिए वेरी इजी क्वेश्चन गुड मॉर्निंग जय हिंद तनु रिशा शुक्ला जल्दी जल्दी कैंडिडेट्स रिप्लाई करके बताइए कि व्हाट इज दी राइट आंसर साइंटिफिक नेम ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है इनमें से साइंटिफिक नेम देखो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये जनरल साइंस बायोलॉजी का क्वेश्चन प्लस ये स्टैटिक जीके में भी काउंट होता है तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए एवरी राहुल कुमार गुड मॉर्निंग सुनीता गौतम गुड मॉर्निंग जय हिंद एवरीवन जल्दी जल्दी आ भाई क्लास स्टार्ट हो चुकी है बट जो अभी स्टार्ट में स्टार्टिंग में नहीं आ रहे हैं डो नॉट वरी लास्ट में एक बार क्वेश्चन होने के बाद मैं एक बार रिवाइज भी आपको पूरे क्वेश्चन करवा दूंगा ठीक है भाई ओके वेरी गुड राइट आंसर जो है इसका दैट इज पैवो क्रिस्टेटस जो पैवो क्रिस्टेटस है इंडियन पी फाउल जिसको बोला जाता है इंडियन पी फाउल या फिर पीकॉक ठीक है उसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज पैवो क्रिस्टस ये क्या है इंडिया का नेशनल बर्ड है नेशनल बर्ड है इसको हमारे इंडिया वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट के थ्रू इसको प्रिजर्व भी किया गया है इसको इसको हम मार नहीं सकते ठीक है पैवो क्रिस्टेटस क्लियर है सबको एवरी वन वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वट इज साइंटिफिक नेम ऑफ नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया ये भी सबको पता होना चाहिए कैंडिडेट्स साइंटिफिक नेम क्या है आपके नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया का जो हमारा नेशनल एनिमल है उसका साइंटिफिक नेम आपको बताना है एव्स विक्यूगना पैकोस पाक, कैप्रा एगेगा हिरकस या फिर पेंथेरा टिग्रिस वेरी इजी क्वेश्चन बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन इसका आंसर सबको पता होना चाहिए कि इंडिया का जो साइंटिफिक नेशनल एनिमल है जो इंडिया का उसका साइंटिफिक नेम क्या है एवरीवन जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी कमेंट करके एवरीवन। राहुल कुमार इमरोज एब्सोल्युटली राइट हंड्रेड परसेंट यू आर राइट मिशा वेरी गुड राइट आंसर विल बी पेंथेरा टिग्रेस जो है इसका जो कॉमन नेम है दैट इज टाइगर इट इज नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो आपके सामने है दैट इज पेंथेरा टिग्रेस आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है कि ये जो नेशनल एनिमल है इंडिया का ये और कहां कहां का नेशनल एनिमल है बांग्लादेश मलेशिया एज वेल एज साउथ कोरिया आपको इसको भी ध्यान में रखना है मलेशिया बांग्लादेश एंड साउथ कोरिया ठीक है भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो टाइगर है पेंथेरा टिग्रेस है वो इनमें से कौन सी कंट्री का नेशनल एनिमल है इंडिया का तो है ही उसके साथ साथ कहां पे है बांग्लादेश मलेशिया एज वेल एज साउथ कोरिया क्लियर एवरी वन क्लियर है सबको नेक्स्ट क्वेश्चन द डोडो विच इज रेफस कैक्यूलेटस इज एक्सटिंक्ट फ्लाइटलेस बर्ड इज अ नेशनल बर्ड ऑफ विच ऑफ द कंट्री आपको बताना है भाई जो डोडो है जिसका साइंटिफिक नेम है रेफर स्कैक्यूलेटस ये कौन सी कंट्री का नेशनल बर्ड रह चुका है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए डोडो कौन सी कंट्री का नेशनल बर्ड रह चुका है कमेंट करके बताइए एवरी वन सब सही है सब सही थे क्वेश्चन नंबर टू के एवरी वन वॉज राइट थ्री का बताइए थ्री का द डोडो रेफर्स कैक्यूलेटस इज एन एक्सटिंक्ट फ्लाइटलेस बर्ड कौन सी कंट्री का नेशनल बर्ड था ये कौन सी आइलैंड कंट्री का नेशनल बर्ड था ऑप्शन आपके सामने है मालदीव मॉरिशियस री या फिर बोरा बोरा. जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर थ्री का मालदीव मॉरिशियस री या फिर बोरा बोरा व्हाट इज द राइट आंसर जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए एवरीवन। अभी तक किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया है गुड निशा एब्सोल्युटली राइट सही आंसर जो है दैट इज मॉरिशियस आपको इसको ध्यान में रखना है भाई ये क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज जो डोडो है जिसका साइंटिफिक नेम है रेफर्स कैलुलेटर्स ये एक एक्सटिंक्ट बर्ड हो चुका है जो एक्सटिंक्शन इसकी हुई थी अप्रोक्सीमेटली सिक्सटीन सिक्सटी टू में ये स्टार्ट हो गया था एक्सटिंक्ट होना ये कौन सी कंट्री आयलैंड कंट्री का नेशनल बर्ड है दैट इज मॉरिशियस गुड नेक्स्ट क्वेश्चन सिंबल ऑफ लक लॉन्गेविटी एंड फेडिलिटी इज अशनल बर्ड ऑफ विच कंट्री अब आपको इनमें से बताना है कि भाई अल लॉन्गेविटी एंड फेडिलिटी एक बर्ड को इस सिंबल बोला जाता है लक का लोंगेविटी एंड फेडिलिटी का वो कौन सी कंट्री का नेशनल बर्ड है जल्दी बताइए कौन सा बर्ड है वो जल्दी एवरी वन आपके सामने ऑप्शन है रेड क्राउंड क्रेन ग्रोस ग्रे हेरॉन या फिर क्रेस्टेड इबिस जल्दी जल्दी एवरीवन प्लीज कमेंट करके बताइए व्हाट इज द राइट आंसर कमेंट करके बताइए एवरीवन ललित नारायण इमरोज अहमद गुड वेरी गुड यू आर राइट सब सब कमेंट करिए वी हैव मोर देन ट्वेंटी कैंडिडेट्स प्लीज सब पार्टिसिपेट करिए सही आंसर है दैट इज रेड क्राउन क्रेन जो है इट इज सिंबल ऑफ लक लॉन्गेविटी एंड फिडेलिटी आपको इसको ध्यान में रखना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पेट्रिज बर्ड कैन बी फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द मिडल ईस्ट एंड टेम्परेट एशिया इज नेशनल बर्ड ऑफ़ विच कंट्री जो चुकर पेट्रिज बर्ड है जो मिलता है हमें मिडल ईस्ट में या फिर टेम्परेट एशिया में वो कौन सी कंट्री का नेशनल बर्ड है ईरान इराक इजराइल या फिर यमिन जल्दी जल्दी कमेंट करिए एवरी चुकर पेट्रिज जो है कौन सी कंट्री का नेशनल बर्ड है जो हमें मिडल ईस्ट में एंड टेम्परेट एशिया में मिलता है सब कमेंट करके बताओ भाई व्हाट इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फाइव फिफ्थ का फिफ्थ का आंसर बताओ एवरीवन नो। चुकर पैट्रिज कैन बी फाउंड इन विच इज फाउंड इन मिडल ईस्ट एंड टेम्परेट एशिया वो कौन सी कंट्री का नेशनल बर्ड है नेशनल बर्ड आपको बताना है कौन सी कंट्री का है ईरान इराक इजराइल या फिर यमिन मुंशी कुमार गुड वेरी गुड यू आर राइट इराक जो है इसका सही आंसर है इराक में जो होता है आपको ध्यान में रखना इराक का जो नेशनल बर्ड है उसका नाम है चुकर पैट्रेज और एक कहाँ फाउंड होता है हिल साइड एरिया जो होता है हिल हैली एरिया वहाँ पे ये जो पैट्रेज है ये फाउंड होता है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द नेम ऑफ नेशनल बर्ड ऑफ इसराइल इसराइल के नेशनल बर्ड का क्या नाम है भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिकॉज इसराइल के साथ जो इंडिया के रिलेशन है वो न्यूज में करंटली रहे हैं जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए इसराइल का नेशनल बर्ड क्या है हमिंग बर्ड कोयल हुपो या फिर गोल्ड फिंच वट इज द नेशनल बर्ड ऑफ इजराइल अनुज शर्मा गुड अनुज शर्मा सिक्स का बताइए फिफ्थ नहीं सिक्स निशा एब्सोल्युटली राइट गुड प्रिपरेशन ललित नारायण गुड सही आंसर है दैट इज हुपो इज नेशनल बर्ड ऑफ इजराइल आपको इसका ध्यान रखना है इसको बोला जाता है यूरेशियन हुपो ठीक है भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको ध्यान में रखना इसराइल का जो नेशनल बर्ड है दैट इज यूरेशियन होपो नेक्स्ट क्वेश्चन हिमालयन मोनल और लोफोफोरस इम्पेजनस इज द नेशनल बर्ड ऑफ हिमालयन मोनल जो है या फिर जिसका साइंटिफिक नेम है लोफोफोरस इम्पेजनस इज द नेशनल बर्ड ऑफ कौन सी कंट्री का नेशनल बर्ड है ये हिमालयन मोनल ये तो नाम से आपको सजेस्ट करके एकदम आंसर आ जाना चाहिए नेपाल पाकिस्तान भूटान या फिर अफगानिस्तान हिमालयन मोनल चंद्रमणि मिश्रा हंड्रेड एंड टेन परसेंट हुपो एब्सोल्युटली राइट सेवेंथ का बताइए हिमालयन मोनल जो है इनमें से कौन सी कंट्री का नेशनल बर्ड है जिसका की साइंटिफिक नेम है लोफोफोरस इंपेजेनस नेपाल पाकिस्तान भूटान या फिर अफगानिस्तान जल्दी जल्दी कमेंट करिए और बताइए व्हाट इज द राइट आंसर गुड मुंशी एब्सोल्युटली राइट गुड वेरी गुड शिल्पा सिंह करेक्ट चंद्रमणि मिश्रा एब्सोल्युटली राइट नेपाल का जो आपका नेशनल बर्ड है दैट इज हिमालयन मोनल उसको बोला जाता है आपको इसको ध्यान में रखना है साइंटिफिक नेम क्या है उसका दैट इज लोफोफोरस इम्पेजेनस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन द रिपब्लिक ऑफ अंगोला हैज अ बर्ड एज इट्स नेशनल एनिमल नेम द बर्ड रिपब्लिक ऑफ अंगोला का नेशनल एनिमल है एक बर्ड उस बर्ड का नाम क्या है जो उनका नेशनल एनिमल है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए एवरीवन। वन टोराको रेड क्रेस्टेड टोराको क्रिनिफर ग्रे गो अवे रिपब्लिक ऑफ अंगोला एट्थ क्वेश्चन एट्थ क्वेश्चन का क्या होगा आंसर जल्दी जल्दी बताइए एवरीवन। वन सामने आपके ऑप्शन है ट्रैको रेड क्रेस्टेड टूरेको क्रिनिफर या फिर ग्रे गो अवेव बर्ड रिपब्लिक ऑफ अंगोला सही आंसर इसका है दैट इज रेड क्रेस्टेड टोराको इज दी नेशनल बर्ड ऑफ रिपब्लिक ऑफ अंगोला नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ राइनोसोरस हॉर्नबिल जो स्टेट बर्ड है आपके मलेशिया का जिसका नाम है राइनासोरस हॉर्नबिल आपको बताना है कि उसका साइंटिफिक नाम क्या है मॉलपेस्टस कैफर बिसोरस राइनासोरस बिसोरस राइनासोरस या फिर कॉर्वस स्प्लेंडेंस बी और सी ऑप्शंस जो है आपके सेम ही हैं जल्दी जल्दी बताइए राइनोसोरस हॉर्नबिल का जो साइंटिफिक नेम है आपको वो बताना है क्वेश्चन नंबर नाइन नाइन्थ का बताओ भाई एवरीवन व्हाट वॉट इज द राइट आंसर गुड वेरी गुड गुड जो सही आंसर है दैट इज बिस्रस राइनासोरस जो है उसका साइंटिफिक नेम है जिसको हम बोला बोलते हैं राइनासोरस हॉर्नबिल विच इज अ लॉन्ग एंड बिग स्पीशीज ऑफ हॉर्नबिल नेक्स्ट क्रिम्सन सनबर्ड इज द नेशनल बर्ड ऑफ विच कंट्री क्रिम्सन सनबर्ड जो है वो कौन सी कंट्री का नेशनल बर्ड है मलेशिया कैम्बोडिया मिकाओ या फिर सिंगापुर ये आपको बताना है कि क्रिम्सन जो है कौन सी कंट्री का नेशनल बर्ड है क्रिम्सन बर्ड कौन सी कंट्री का नेशनल बर्ड है मलेशिया केम्बोडिया मिकाओ या फिर सिंगापुर इट इज अ सन बर्ड यह कौन सी कंट्री का नेशनल बर्ड है जल्दी जल्दी बताइए सबके सब कमेंट करके शिल्पा सिंह गुड एब्सोल्युटली राइट सबके सब एक बार लिंक को दोबारा शेयर कर दो यार एंड पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करो व्हाट इज द राइट आंसर सिंगापुर गुड वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई बर्ड व्हिच इज अ नेशनल बर्ड ऑफ जापान इट इज एन ओमनीवोरस बर्ड इट इज सेक्रेड बाई अर्थक्वेक एंड स्क्रीम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी वाइल्ड टर्की ग्रीन फीजेंट कीबी डैंगो या फिर गिनी फाउल्स नेशनल बर्ड है जापान का ओमनीवोरस बर्ड है ये और सेक्रेड बाई अर्थ को स्क्रीम जल्दी जल्दी बताइए वाइल्ड टर्की ग्रीन फीजेंट कीबी डैंगो या फिर गिनी फाउल नेशनल बर्ड जापान का कौन सा है इनमें से इलेवेंथ का बताओ इलेवेंथ का भाई इलेवेंथ का बताओ सबके सब कमलदीप गुड गुड कमलदीप ने सही आंसर दिया दैट इज ग्रीन फीजेंट जो है आपको ध्यान में रखना इट इज नेशनल बर्ड ऑफ जापान और इट इज केयर्ड बाय अर्थक्वेक्स एंड स्क्रीम नेक्स्ट क्वेश्चन पिथे कोफेजा जेफ्रिल इज साइंटिफिक नेम ऑफ नेशनल बर्ड ऑफ विच कंट्री जल्दी जल्दी बताइए पिथेकोफा जेफ्रिलिस इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ नेशनल बर्ड ऑफ विच कंट्री मलेशिया फिलीपीन, वियतनाम या फिर चाइना पिथेकोफा जेफरी जो है कौन सी कंट्री का नेशनल बर्ड है मलेशिया का फिलीपीन का वियतनाम का या फिर चाइना का क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व जल्दी जल्दी एवरीवन ट्वेल्व का इलेवन हो चुका है प्रकाश नाउ ट्वेल्व पिथे कोफा जेफरी इज द साइंटिफिक नेम ऑफ नेशनल बर्ड ऑफ विच कंट्री कौन सी कंट्री का नेशनल बर्ड है ये मलेशिया का फिलीपीन का वियतनाम का या फिर चाइना का शिल्पा सिंह और जस्वी पांडे गुड सही आंसर इज राइट आंसर इज फिलिपीन का ये जो है इसको हम बोलते हैं फिलिपीन ईगल भी इसको बोला जाता है फिलिपीन ईगल मंकी ईटर भी इसको बोलते हैं कि ये काफी ज्यादा बड़ा होता है इट कैन इवन कैप्चर मंकी ठीक है इसको ध्यान में रखना है आपने नेक्स्ट क्वेश्चन फिनिक्स अ माइथोलॉजिकल बर्ड इज नेशनल बर्ड ऑफ विच कंट्री फीनिक्स जो एक माइथोलॉजिकल बर्ड है वो कौन सी कंट्री का नेशनल बर्ड है ग्रीस साइप्रस जर्मनी या फिर बुल्गारिया फिनिक्स बर्ड जो है कौन सी कंट्री का नेशनल बर्ड है जिस विच इज अ माइथोलॉजिकल बर्ड एज वेल ग्रीस साइप्रस जर्मनी या फिर बुल्गेरिया जल्दी जल्दी बताओ भाई वट इज द राइट आंसर फिनिक्स कौन सी कंट्री का नेशनल बर्ड है एंड इट इज अ माइथोलॉजिकल बर्ड एज वेल फिनिक्स का आपको बताना है फिनिक्स माइथोलॉजिकल बर्ड इज नेशनल बर्ड ऑफ विच कंट्री वेरी इजी आपको सही आंसर है दैट इज ग्रीस माइथोलॉजिकल के हिसाब से इट इज अ माइथोलॉजिकल बर्ड एंड इज इट इज द नेशनल बर्ड ऑफ ग्रीस नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द द नेम ऑफ़ नेशनल बर्ड ऑफ यूएसए यूएसए का तो सबको पता होना चाहिए व्हाट इज द नेशनल बर्ड ऑफ यूएसए जल्दी जल्दी बताइए एवरीवन नेशनल बर्ड ऑफ यूएसए ऑस्प्रे एसिपिड्रे बाल डीगल या फिर फैल्कन फोर्टीन व्हाट इज नेशनल बर्ड ऑफ यूएसए यूएसए का नेशनल बर्ड बताइए एवरीवन वन टींथ क्वेश्चन प्रकाश नाउ फोर्टींथ नेशनल बर्ड ऑफ यूएसए नो फोर्टींथ का बताओ भाई फोर्टींथ ललित नारायण ओजस्वी नो अमित राठौर सही आंसर जो है दैट इज बैल्ड ईगल आपको याद रखना है बेल्ड ईगल जो है इट इज अ स्पीशीज ऑफ सी ईगल काइंड ऑफ सी ईगल ये होता है जो फिशेस वगैरह को पकड़ता है ये है एक नेशनल बर्ड यूएसए का नेक्स्ट द फास्टेस्ट बर्ड इन दर्ल्ड एंड नेशनल बर्ड ऑफ यू फास्टेस्ट बर्ड के हिसाब से यह बता दो भाई यू का कौन सा जो है नेशनल बर्ड होगा गोरेगिल एप्सल्यूटी राइट वेरी गुड ठीक है फास्टेस्ट बर्ड बताइए कौन सा है जो कि नेशनल बर्ड भी है यूएई का यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जो नेशनल बर्ड भी है डिस्कवरी चैनल अगर आपने देखा तो आपको पता होगा व्हाट इज द फास्टेस्ट वर्ल्ड बर्ड इन दी वर्ल्ड लार्क स्काईलॉग्रीन फैल्कन या फिर नन ऑफ दी अबव आवाज अब क्लियर आ रही है मेरी यार अमन फास्टेस्ट बर्ड इन दर्ल्ड एंड द नेशनल बर्ड ऑफ यू ए नैशनल बर्ड भी है वो यूनाइटेड अरब एमरेट का और फास्टेस्ट बर्ड भी है, आपको वो बताना है जल्दी जल्दी बताइए एवरी वन आप आ रही है मेरी आवाज यार हाउ कैन कोकू बी दी फास्टेस्ट बर्ड फास्टेस्ट बर्ड जो है दैट इज़ पेरीग्रीन फैल्कन जो है इट इज़ दी फास्टेस्ट बर्ड थ्री हंड्रेड किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली की स्पीड से इट कैन फ्लाई एंड कैप्चर इट स्प्रे ठीक है और ये जो है नेशनल बर्ड है यू ए का यूनाइटेड अरब एमरेट्स का ये नेशनल बर्ड भी है आपको इसको भी ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द नेशनल बर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा हुआ आपके एसएससी के एग्जामिनेशन में नेशनल बर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया कौन सा है इनमें से यार बाकी सबको आ रही है मेरी वॉइस ओजस्वी शिल्पा मुंशी गुरी माय वॉइस इज ऑडिबल और नॉट सबको नहीं आ रही नेशनल एनिमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया बताइए एवरीवन आवाज आ रही है मेरी सबको नेशनल एनिमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया बताइए रेड इमू मैक्रोपस मार्सुपियल्स मार्सुपियल्स अमन मिश्रा आप एक बार अपना वॉल्यूम बटन दबाइए बाकी सबको आवाज आ रही है गुड एब्सोल्युटली राइट मुंशी कुमार प्रकाश मिश्रा गुड सही आंसर जो है दैट इज रेड कैंगरू इज द राइट आंसर एब्सोल्युटली राइट नेक्स्ट क्वेश्चन कनाडा हैज़ अ नेशनल एनिमल दैट इज क्वाइट बिजी एंड हैज़ अ माउथफुल ऑफ फॉर्मल नेम कैस्टर कैनेडेंसिस व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द नेशनल एनिमल कैस्टर कैनेडेंसिस जो है उसका साइंटिफिक नेम है विच इज़ क्वाइट बिजी आपको बताना है कि भाई इनमें से उसका कॉमन नेम क्या है मुस्करत, कॉयपू नॉर्थ अमेरिकन बीवर या फिर रकून डिस्कवरी चैनल देखने वालों को तो इसका आंसर पता होना चाहिए ठीक है भाई डिस्कवरी चैनल जो देखते हैं उनको डेफिनेटली इसका आंसर पता होना चाहिए कि जो एनिमल बहुत ज़्यादा बिजी रहता है कुतरने में इधर उधर जाने में आई लव यू टू मंटू कुमार ठीक है आपको बताना है कि व्हाट इज दी कॉमन नेम ऑफ दैट एनिमल मस्क्रैट कॉपू नॉर्थ अमेरिकन बीवर या फिर रकून बताइए कौन सा सही आंसर होगा अमन यार मेरी आवाज बाकी सबको तो आ रही है अब देर माइट बी फॉल्ट विद योर फोन या फिर आप रीस्टार्ट करिए या फिर सेशन को एक बार दोबारा से ज्वाइन करिए तब आपको डेफिनेटली आवाज आएगी एब्सोल्युटली राइट मुंशी कुमार गुड नॉर्थ अमेरिकन बीवर जो है दैट इज मोस्ट क्वाइट बिजी एनिमल जिसका जो साइंटिफिक नेम है जो कि है कैस्टर कैंडिस जो कि नेशनल एनिमल है कहां का भाई कैनेडा का ये नेशनल एनिमल है क्लियर है सबको एवरी वन नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ कोस्टारिका इट इज दी लार्जेस्ट सर्वाइविंग मेंबर ऑफ एक्वेटिक मेमल ऑर्डर सिरेनिया डिगोंग वेस्ट इंडियन मैनेटी कॉटन टॉप टैमरिन या फिर सी लाय जल्दी जल्दी आपको बताना नेशनल एक्वेटिक एनिमल है ये कहां का कोस्टारिका का है लार्जेस्ट सर्वाइविंग मेंबर है एक्वेटिक मेमल ऑर्डर सिरेनिया का क्या बोलते हैं इसको डिगोंग बोलते हैं वेस्ट इंडियन मनाटी बोलते हैं कॉटन टॉप टैमरिन या फिर सी लायन नॉर्थ अमेरिकन मनाटी भी इसको बोला जाता है एटींथ 18th. 18th का बताओ भाई एवरीवन। वन एटींथ का बताओ एवरी वन क्या होगा आइडेंटिफाई करना है आपको एनिमल गुड ओजस्वी पांडे दैट इज वेस्ट इंडियन मनाटी जो है जिसको नॉर्थ अमेरिकन मनाटी भी बोलते हैं नॉर्थ अमेरिकन मनाटी इट इज अ सी काओ विच इज अ नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ कोस्टा रिका ठीक है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नेम दाइनाज नेशनल एनिमल दैट इज वर्ल्ड फेमस फॉर इट्स स्ट्राइकिंग गुड लुक्स वह इतना सुंदर है ये कि वर्ल्ड में फेमस है और चाइना का नेशनल एनिमल है ये पाइन मार्टन डबल टेल्ड लायन स्मॉल टोटोए शेल जायंट पांडा ये नहीं पता आपको तो फिर आपको मतलब नॉलेज नहीं है बहुत ईजी क्वेश्चन है नाइनटीन चाइना का नेशनल एनिमल कौन सा है जो वर्ल्ड के वर्ल्ड में जाना जाता है फॉर इट्स स्ट्राइकिंग गुड लुक्स बहुत ही ज्यादा क्यूट और उसको ब्यूटीफुल माना जाता है पाइन मार्टिन डबल टेल लायन स्मॉल टॉटे शेल या फिर जायंट पांडा जल्दी जल्दी बताइए एवरीवन वन गुड मुंशी एब्सोल्युटली राइट सबके सब कमेंट करिए एवरीवन। सही आंसर जो है दैट इज जायंट पैंडा आपने देखा ही होगा जो कि बहुत क्यूट होता है इट इज नोन फॉर इट्स स्ट्राइकिंग गुड लुक्स वो चाइना का नेशनल एनिमल है नेक्स्ट क्वेश्चन द विम्सिकल एनिमल यूनिकॉर्नेस द नेशनल एनिमल ऑफ विच यूरोपियन कंट्री विम्सिकल एनिमल जो है कौन सी यूरोपियन कंट्री का नेशनल एनिमल है यूनिकॉर्न बेसिकली जो होता है उसको बोलते हैं विम्सिकल एनिमल यूनिकॉर्निस्ट विच इज साइंटिफिक नेम ऑफ यूनिकॉर्न इनमें से कौन सी यूरोपियन कंट्री का नेशनल एनिमल है नॉर्वे डेनमार्क स्कॉटलैंड या फिर जर्मनी ट्वेंटी का बताना है आपको एवरी वन जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई व्हाट इज द राइट आंसर विम्सिकल एनिमल यूनिकॉर्निस कौन सी कंट्री का नेशनल एनिमल है यूरोपियन कंट्री है वो नॉर्वे डेनमार्क स्कॉटलैंड या फिर जर्मनी जल्दी जल्दी कमेंट करिए एवरीवन। क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी विम्सिकल एनिमल यूनिकॉर्नेस नोन एज यूनिकॉर्न। ट्वेंटी का जो सही आंसर है दैट इज स्कॉटलैंड आपको ध्यान में रखना है जो यूनिकॉर्न है दैट इज द नेशनल एनिमल ऑफ स्कॉटलैंड लेट सी वर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन राबाक हॉर्स इज देशनल एनिमल ऑफ विच कंट्री कैराबाक हॉर्स जो है कौन सी कंट्री का नेशनल एनिमल है टर्की अजरबैन कजाकिस्तान या फिर रशिया कराबाक हॉर्स जो है कौन सी कंट्री का नेशनल एनिमल है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई एवरी वन राबाक हॉर्स इज दी नेशनल एनिमल ऑफ विच कंट्री टर्की अजरबैजान कजाकिस्तान या फिर रशिया जनरल नॉलेज जनरल अवेयरनेस स्टैटिक जीके के दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी जल्दी बताओ भाई कहां का है कैराबाक हॉर्स ट्वेंटी वन का बताओ एवरी वन ट्वेंटी वन का क्या सही आंसर होगा ट्वेंटी वन प्रकाश मिश्रा गुड प्रकाश मिश्रा ने सही आंसर दिया है दैट इज अजरबैजान जैन जो है वहां का नेशनल एनिमल जो है दैट इज कैराबाक हॉर्स ध्यान में रखना है आपको इसको नेक्स्ट क्वेश्चन

पाइन मार्टन ड्रुक साइबेरियन टाइगर या फिर मुफलोन आपने उनके मैप में भी देखा होगा इस टाइप का क्रिएचर बना हुआ होता है मैथिकल क्रिएचर जल्दी जल्दी बताइए एवरीवन वन ट्वेंटी टू का बताओ भाई एवरी जल्दी जल्दी शिल्पा सिंह गुड एब्सोल्यूटली राइट द्रुक जो है दैट इज दिथिकल कैरेक्टर जिसको हम थंडर ड्रैगन भी बोलते हैं आपने उनके एम्बलम में देखा होगा ये ठीक है तो इट इज नेशनल सिंबल नेशनल बर्ड एज वेल एज मिथिकल क्रिएचर नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल एनिमल ऑफ इंडोनेशिया इंडोनेशिया का नेशनल एनिमल्स या फिर एनिमल कौन है कोमोडो ड्रैगन गरुड़ या फिर बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ अबव नेशनल एनिमल ऑफ इंडोनेशिया इंडोनेशिया का नेशनल एनिमल आपको बताना है कौन सा है इंडोनेशिया का नेशनल एनिमल मोडो ड्रैगन देखा ही होगा आपने डिस्कवरी चैनल में गरुड जिसके बारे में आपको पता ही होगा ये दोनों है या दोनों नहीं है या इनमें इन से एक है ट्वेंटी थर्ड मुंशी एप्सोल्यूटली राइट अरुण सिंह गुड आफ्टरनून ठीक है भाई जो राइट आंसर है दैट इज बोथ ए एंड बी ध्यान में रखना है आपको कोमोडो ड्रैगन एज वेल एज गरुड दीज बोथ एनिमल्स आर नेशनल एनिमल ऑफ इंडोनेशिया नेक्स्ट क्वेश्चन साइबेरियन टाइगर जो है कौन सी कंट्री का नेशनल एनिमल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है रशिया साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया या फिर जापान ये तो आपको वैसे ही पता होना चाहिए भाई साइबेरियन टाइगर जो है कौन सी कंट्री का नेशनल एनिमल है जल्दी जल्दी बताइए रशिया का है साउथ कोरिया का है नॉर्थ कोरिया का है जापान का है साइबेरियन टाइगर जल्दी एवरीवन। वन राइट अरुण यू वर राइट फॉर लास्ट क्वेश्चन ट्वेंटी फोर्थ का बताइए व्हाट इज दी राइट आंसर ट्वेंटी फोर्थ शिल्पा सिंह एब्सोल्युटली राइट गुड बाकी सब भी कमेंट करके बताओ भाई व्हाट इज द राइट आंसर गुड जो सही आंसर है दैट इज साउथ कोरिया का आपको ध्यान में रखना है साइबेरियन टाइगर इज नेशनल एनिमल नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया हेरिटेज एनिमल इंडिया का कौन सा है दिस क्वेश्चन इज आल्सो इंपॉर्टेंट एशियाटिक लायन राइनासोरस एलिफेंट या फिर रॉयल टाइगर्स कौन सा है इंडिया का नेशनल हेरिटेज एनिमल बताना है आपको नेशनल हेरिटेज एनिमल कौन है इंडिया का ओजस्वी गुड नेशनल हेरिटेज एनिमल बताइए इंडिया का कौन सा नेशनल हेरिटेज एनिमल होगा जल्दी जल्दी कमेंट करिए एवरीवन कृष्णा कृष्ण चौहान एब्सोल्युटली राइट right. शिल्पा सिंह गुड खुशबू एब्सोल्यूटली राइट गुड जो आपको ध्यान में रखना है दैट इज एलिफेंट जो है वो इंडिया का नेशनल हेरिटेज एनिमल है ये इंपॉर्टेंट है नेशनल एनिमल जो है टाइगर है नेशनल हेरिटेज एनिमल जो है दैट इज एलिफेंट क्लियर है सबको एवरीवन चलिए एक बार सबको क्लियर है अब एक बार स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरे क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे तो आपको नेक्स्ट तीन से चार मिनट जो है बहुत ही ध्यान से देखना है मैं पूरे क्वेश्चंस जितने भी अभी तक हमने करे हैं उनको रिपीट करूंगा उनके आंसर्स के साथ क्लियर है सबको क्लियर है तो गिव इट अ थम्स अप ठीक है भाई नेक्स्ट चलिए पहला क्वेश्चन जो था आपके सामने दैट दैट वाज साइंटिफिक नेम आपको बताना था नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया जिसको हम बोलते हैं पीकॉक जिसका साइंटिफिक नेम है पैवो क्रिस्टेटस नेक्स्ट क्वेश्चन था साइंटिफिक नेम बताना है आपको नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया जो टाइगर है जिसका साइंटिफिक नेम है पेंथेरा टिग्रिस या, याद भी रखना है आपको इसको नेक्स्ट डोडो रेफलेस कैलकुलेटर जो एक एक्सटिंक्ट फ्लाइटलेस बर्ड है कौन सी कंट्री का है वो आपको बताना था उसका जो सही आंसर है दैट इज मोरेशियस, नेक्स्ट क्वेश्चन था सिंबल, लक ऑफ लॉन्गेविटी एंड फिडिलिटी एक बर्ड को बोला जाता है वो उस बर्ड का नाम क्या है उस बर्ड का नाम है रेड क्राउंड क्रेन चुकार पैट्रिज जो एक बर्ड है जो कि मिडल ईस्ट में मिलता है एंड टेम्परेट आइलैंड्स, टेम्परेट एशिया में मिलता है वो कौन सी कंट्री का नेशनल बर्ड है आपको ध्यान में रखना है इराक का जो नेशनल बर्ड है उसका नाम है चुकर पैट्रिज नेक्स्ट क्वेश्चन था आपको बताना इज़राइल का नेशनल बर्ड क्या था इज़राइल का नेशनल बर्ड था हुप जिसको हम यूरोशियन हुपे भी बोलते हैं आपको ये भी ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास हिमालयन मोनल या फिर लोफोफोरस इम्पेजेनस जो है वो कौन सी जगह का नेशनल बर्ड है उसका आंसर था नेपाल ठीक है रिपब्लिक ऑफ अंगोला का जो आपको नेशनल एक बर्ड है जिसको नेशनल एनिमल भी बोला जाता है वो वहां का क्या नाम है उसका दैट इज रेड क्रेस्टेड नेक्स्ट व्हाट द साइंटिफिक नेम ऑफ राइनोसोरस हॉर्नबिल जो राइनोसोरस हॉर्नबिल है उसका जो कि एक स्टेट बर्ड है मलेशिया का उसका साइंटिफिक नेम आपको बताना था तो उसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज बोसोरस राइनोसोरस इसको भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट था हमारे पास क्रिम्सन सनबर्ड क्रिम्सन सनबर्ड जो है कौन सी कंट्री का नेशनल बर्ड है आपको इसको भी ध्यान में रखना है क्रिम्सन सनबर्ड जो है सिंगापुर का नेशनल बर्ड है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट था हमारे पास आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो एक नेशनल बर्ड है जापान का वो एक ओमनी भी है ओमनी होने के साथ साथ इट इज स्केयर्ड बाई अर्थक्वेक एंड स्क्रीम से भी वो डरता है उस बर्ड का नाम है ग्रीन फेजेंट नेक्स्ट था हमारे पास पिथोकोफा जेफरी जो है एक साइंटिफिक नेम है कौन सी कंट्री का वो नेशनल बर्ड है जो कि वो है फिलीपींस का जिसको हम बोलते हैं फिलिपीन ईगल भी बोलते हैं जिसको मंकी ईटर ईगल भी बोला जाता है जो कि काफी बड़ा होता है एंड इट कैन इवन ईट मंकी को भी कैप्चर करके वो मार सकता है जिसको बोल साइंटिफिक नेम उसका है पिथोकोवा जेफरी नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास फिनिक्स के बारे में आपको बताना था जो कि एक माइथोलॉजिकल बर्ड है कौन सी जगह का नेशनल बर्ड है वो आपको ध्यान में रखना था ग्रीस का वो नेशनल बर्ड है ठीक है नेक्स्ट था हमारे पास व्हाट इज नेम ऑफ नेशनल बर्ड ऑफ यूएसए बाल डीगल है जिसको सी ईगल की एक स्पीशीज बोलते हैं फास्टेस्ट बर्ड बर्ड आपको बताना है वर्ल्ड में और वो नेशनल बर्ड है यू का दैट इज पैरेग्रीन फेलकन नेक्स्ट था हमारे पास नेम दी नेशनल एनिमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया सबने सही आंसर दिया रेड कैंगूटली राइट फिर आता है हमारे पास एक आपको बताना है नेश कैनेडा का नेशनल एनिमल है जो कि काफ़ी बिजी रहता है और उसको कैस्टर कैनेडिस भी बोलते हैं जिसका नाम है नॉर्थ अमेरिकन बीवर विच इज समर्ट लाइक रैट की तरह होता है काफी बड़ा होता है जो कुतरता रहता है काफी ज़्यादा बिजी रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था आपको बताना था नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ कोस्टर का और जो कि सर्वाइविंग मेंबर है एक्वेटिक मैमल में, ऑर्डर सरेनिया का दैट इज वेस्ट इंडियन मनेटी जिसको हम नॉर्थ अमेरिकन मैनेटी भी बोलते हैं एंड सी का भी बोलते हैं नेक्स्ट था हमारे पास चाइना का ऐसा नेशनल बर्ड आप नेशनल एनिमल आपको बताना है जो कि अपने गुड लुक्स की वजह से जाना जाता है वो जो कि है जायंट सबको पता ही है कि वो बहुत ज्यादा क्यूट होता है नेक्स्ट आता है हमारे पास विमसिकल यूनिकॉर्निस जो कि कौन सी यूरोपियन कंट्री का नेशनल बर्ड है आपको इसको भी ध्यान में रखना है दैट इज नेशनल बर्ड ऑफ नेशनल एनिमल ऑफ स्कॉटलैंड फिर आता है हमारे पास कराबाक हॉर्स जो कैराबाक हॉर्स है काफी लोगों ने सही आंसर दिया कैराबाक हॉर्स नेशनल एनिमल है कहां का अज़रबैज़ान का ये नेशनल एनिमल है आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास भूटान का एक मिथिकल क्रिएचर है जो उनका नेशनल सिंबल भी है नेशनल एनिमल भी है वो उसका नाम आपको बताना है उसको बोलते हैं हम द्रुक बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना एवरीवन अगर आपने उनका वो भी देखा है फ्लैग भी देखा उसमें भी एक थंडर ड्रैगन टाइप बना गया है उसको बोला जाता है द्रुक नेक्स्ट हमको बताना था कि भाई नेशनल एनिमल कहां का है इंडोनेशिया का नेशनल एनिमल क्या है इंडोनेशिया का जो नेशनल एनिमल है वो कोमोडो ड्रैगन एज वेल एज गरुड है मतलब बोथ ए एंड बी आर द नेशनल एनिमल ऑफ इंडोनेशिया साइबेरियन टाइगर आपको बताना था कौन सी कंट्री का नेशनल एनिमल है साइबेरियन टाइगर जो है आपका साउथ कोरिया का नेशनल एनिमल है और जो लास्ट क्वेश्चन था वो था आपके सामने नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया जो कि था एलिफेंट क्लियर है सबको एवरीवन एनी डाउट्स आई होप आपको सब क्वेश्चंस क्लियर होंगे प्लस अगर आपको क्लियर नहीं है तो एक बार दोबारा से रिपीट करके इस वीडियो को देख लेना और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होना चाहिए कि एक बार आपने क्लास लगा ली तो फिर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आए घुमा फिरा के भी क्वेश्चन आए तो आप सही आंसर करो उसका ठीक है एवरी वन ओके थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर कनेक्टिंग विद मी अगेन ट्वेल्व ओ क्लॉक आई एल बी टेकिंग अ स्टार्टिंग जीके क्लास विच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर डिफेंस एग्जामिनेशन एंड अदर एग्जामिनेशन एज वेल जितनों ने भी अगर डिफेंस चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है कैंडिडेट्स ठीक है गो टू सफलता डिफेंस वहां सब्सक्राइब करिए वहां पे मैं क्लास लूँगा विच विल बी डिस्क्रिप्शनल क्लास मॉक टेस्ट नहीं होगा और डिस्क्रिप्शनल क्लास होगी आपकी स्ट्रेटेगजी के से रिलेटेड ठीक है अब मिलते है, care, जै हैं बारह बजे टिल द टाइम यू गाइजेक केयर जय हिंद जय भारत